नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। पुदुचेरी में एक ही चरण में 30 विधानसभा सीटों के लिए आज सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है। सुबह 9 बजे तक मतदान की प्रक्रिया काफी धीमी रही और 2 घंटे में मात्र 0.38% वोट डाले गए हैं। पुदुचेरी के 30 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए कुल 324 उम्मीदवार मैदान में हैं। राज्य में हो रहे चुनाव में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। पिछले महीने ही प्रदेश की कांग्रेस सरकार गिर गई थी, जिसके बाद अब बीजेपी की कोशिश है कि वो पहली बार सत्ता हासिल करे। पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की 30 सीटों पर आज हो रहे मतदान में 320 प्रत्याशी मैदान में हैं और मुख्य मुकाबला कांग्रेस गठबंधन और बीजेपी गठबंधन के बीच है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या प्रदेश की जनता बीजेपी गठबंधन को चुनेगी या फिर से कांग्रेस डीएमके के गठबंधन की वापसी होगी। पुदुचेरी के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता वी नारायण सामी ने आज सुबह मतदान केंद्र जाकर अपना वोट डाला। पुदुचेरी कांग्रेस के अध्यक्ष एन रंगास्वामी मंगलवार सुबह थिसलापेट स्थित गवर्नमेंट बॉयज मिडिल स्कूल पहुंचे और अपना वोट डाला। इससे पहले उन्होंने मंदिर जाकर पूजा अर्चना भी की। पुदुचेरी बीजेपी के अध्यक्ष और लोपेट विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार वी सामी नाथन ने मतदान किया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।